दस दिन से ऊपर हो गए, अभी तक न राहुल गांधी की जुबान खुली है न सोनिया गांधी की जुबान खुली है, यानी माफी मांगा है। न उद्धव ठाकरे, न लालू यादव, न नीतीश कुमार, अब तो मैं के अंदर अगर राष्ट्रभक्ति होता तो शायद ही कोई व्यक्ति देश के बाहर जाकर के देश को गाली दे। ये उनकी नियति बन गई है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया, यही उनका फितरत है। देखिए, INDIA की मीटिंग हिंदुओं को तबाह, बर्बाद और एक तरह से मिटा देने के लिए बैठक हो रही है, ये तो तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। आपने सनातन की बात की, वृंदा करा के ये बोलते हैं कि सनातन का मामला आप लोग इसलिए उठाएं कि अपनी गलती को हाइड कर सकें, गलती को छिपा सकें। देखिए, जिनको जो बोलना हो, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, दस दिन से ऊपर हो गए, अभी तक न राहुल गांधी की जुबान खुली है न सोनिया गांधी की जुबान खुली है, यानी माफी मांगा है। न उद्धव ठाकरे, न लालू यादव, न नीतीश कुमार, अब तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, धर्मों रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए स्वतः खड़ा हो। और अब समय आ गया है हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना, ये समय की पुकार है और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार, उनके पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजखूबिया है, देश की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तमाम लोग उनके पार्टी पोस्टर्स भी लगे हैं पटना में। मैं तो 12-13 साल से उनको यही देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, ऐसा मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए, इतना अच्छा मटेरियल है। और 2010 में इनको मैं बार बार कहता हूँ 115-16 सीट आया और 2020 में घट के 43 हो गया, इतना अच्छा PM मटेरियल है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने।